आप सब, आई होप आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। और मैं यही दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ पर भी हैं खुश रहें, महफूज रहें और आप सबकी सारी जायज़ दुआएं कबूल हों। माशाअल्लाह से हम सबको रमज़ान दोबारा से देखने नसीब हो रहे हैं और अल्लाह ताला इन रमज़ान में आपके घर पर बहुत बरकतें दें और हमारे घर पर भी बहुत बरकतें दें, आमीन। वैसे तो इबादत हमें पूरे साल ही करनी होती है, पर ये होता है कि रमज़ान में अफ्तारी बनानी होती है और सहरी, तो हमारे पास वक्त थोड़ा कम पड़ जाता है और किचन में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो कुछ प्रिपरेशन हम पहले से कर लें तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। वही मैं आप सबके साथ आज शेयर करूँगी। तो मैंने फ्रिज की डीप क्लीनिंग की थी, पर अभी आपके साथ डीप क्लीनिंग की वीडियो शेयर नहीं कर रही, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फ्रिज डीप क्लीनिंग की वीडियो शेयर करूँगी। और ये फ्रीज़र मैंने क्लीन किया था तो इसको थोड़ा मॉइस्चर आ गया इसके अंदर, क्योंकि मैंने ये ऑन रहन दिया था क्लीन के बाद। उसी को मैं अभी पेपर से क्लीन कर दूँगी तो ये सूख जाएगा सारा, और जो सामान था फ्रीज़र का मैं इसके अंदर दोबारा से सेट कर दूँगी पूरा। रमज़ान से पहले फ्रिज की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि तभी हम सारी चीज़ सही से ऑर्गेनाइज़ कर पाएंगे फ्रिज के अंदर। इतने फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, हम चीज़ें फ्रीज़ करते हैं, तो उसके लिए डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सहरी में उठकर आटा गूंदो, पराठे बनाओ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ फ्रोज़न पराठे की रेसिपी। आटा लिया है मैंने, उसमें डाला है 1 चम्मच शुगर एंड 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला है। थोड़े से इसके अंदर हम देसी घी ऐड कर देंगे और देसी घी ये सारी चीज़ अच्छे से मिक्स कर देंगे हम आटे के अंदर। और फिर इसके अंदर हम 1/2 कप जितना मिल्क ऐड कर लेंगे, मिल्क को भी हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं पानी के साथ, वैसे आटा गूंद लेंगे। आप चाहे तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है सहरी के टाइम पे आटा ही बेटर है मैदे से, तो मैं आटा ही यूज़ कर रही हूँ। तो एज़ यू नो कि मेरा तो छोटा सा बच्चा है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये सब चीज़ें करना, तो इसलिए मैं ये फ्रीज़ वाली रेसिपीज़ यूज़ करती हूँ। और अगर आप वर्किंग हैं या आपके भी घर में बच्चे हैं या फिर आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली है, तो आप पहले से कुछ तैयारी कर सकते हैं तो ईजी हो जाता है। तो आटा अच्छे से गूंदने के बाद उसको आप रेस्ट दे दीजिए 1/2 आवर के लिए, और फिर उसका पेड़ा बनाकर ऐसे गोल बेल लीजिए। और फिर उसके अंदर हम देसी घी लगाएंगे अच्छे से, बहुत ज़्यादा देसी घी नहीं लगाना, थोड़ा सा ही लगाना है। और फिर हम इसको ऐसे रोल कर लेंगे, इस आटे के जो हमने गोल बनाया है इसको रोल कर लेंगे, और फिर इसको ऐसे खींच खींच कर थोड़ा लंबा कर लेंगे हम इसको। और फिर हम इसको ऐसे इस शेप का कर जैसे परत वाले पराठे बनाते हैं ना, ये वही है, इस तरह से इसको गोल गोल कर देंगे। तो ये हमारे घर पर बनते थे, मम्मी बनाती हैं ऐसे ही पराठे, उनके साथ मैं कभी खड़ी तो नहीं हुई कभी बनाने के लिए, पर पता तो है ही कि मम्मी किस तरह करती हैं। तो ये आटा गूंदना और रोटी पराठे बनाना मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है। तो देखिए, जब आपका ऐसे पेड़ा रेडी हो जाएगा, उसको हम फिर से खुश्की में डिप करेंगे सूखे आटे में, उसके बाद हम उसको ऐसे बेल लेंगे जिस तरह से पराठा बनाते हैं, गोल बना रही हूँ मैं। और फिर बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है आपको, थोड़ा थिक ही रखे जो पराठे का वो होता है। और एक प्लेट लेंगे, उसके अंदर हम बटर पेपर फैला देंगे ऐसे, और उसके ऊपर हम अपना पराठा रख देंगे। थोड़ा सा देसी घी भी लगा सकते हैं बटर पेपर के ऊपर, वैसे ही चिपकेगा नहीं, पर मैं आपको देसी घी लगाकर भी दिखा दूंगी, आप थोड़ा सा देसी घी लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर एक और बटर पेपर रख देंगे ऐसे। तो इस तरह से अगर आप पराठे पहले से ही बनाकर रख लेंगे तो सहरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है हमारी आँख टाइम से नहीं खुलती, थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो फिर पराठे फटाफट से ना बेलने का झंझट ना आटा गूंदने का झंझट, बस फ्रिज से निकालो और उन्हें फ्राई कर लो। तो बटर पेपर पे ऐसे थोड़ा सा देसी घी लगाकर अभी आप रख सकते हैं, वैसे चिपकेगा नहीं। और बटर पेपर नहीं है तो आप उसकी जगह सिल्वर फॉइल या फिर कोई पॉलीथिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी चल जाएगा। बस हल्का सा देसी घी लगा दें उसके ऊपर और अपने पराठे एक के ऊपर एक ऐसे रखते चले जाएँ। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाती, पर एक एक 1-1.5 वीक के रेडी कर लेती हूँ चीज़ें। और उसके बाद आप ये ले लीजिए एक जिप लॉक पाउच, और उसके अंदर इसको रख दीजिए सारे पराठों को, और फिर हम इसको रख देंगे फ्रीज़र के अंदर। और फिर डायरेक्टली आप इनको निकालिए, जब भी आपको बनाने हो सीधा बनाइए, और बहुत अच्छे बनते हैं, कोई कमी नहीं आएगी आपके पराठों में, बिल्कुल फ्रेश ही लगेंगे एकदम। बस ये है कि आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको सहरी के टाइम पर। और उस पर मैं लिख दूंगी कि क्या चीज़ है, और डेट भी लिख दूंगी कि मैंने कब बनाए थे, तो सही रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फ्रीज़ होती हैं रमज़ान के टाइम पे, तो इजी रहता है ढूंढने में कि क्या चीज़ है। और मैं ना बहुत ज़्यादा पूरे महीने भर का बल्क में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसकी फ्रेशनेस चली जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक का बना लो, फिर 1 वीक बाद फिर दोबारा से सारी चीज़ें इकट्ठी करके बना लो, और फिर ना बोर भी हो जाते हैं सेम चीज़ खाते खाते।
तो फ्रोज़न पराठे तो मैंने रख दिए फ्रीज़र के अंदर। अब मैं आपको बता रही हूँ चिकन कटलेट्स बनाने, उसके लिए आप बोनलेस चिकन ले लीजिए, उसको डाल दीजिए कढ़ाई के अंदर और उसके ऊपर ऐड कर दीजिए 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दीजिए इसके अंदर। सॉल्ट और ब्लैक पेपर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। और इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, कोई ऑयल नहीं जाएगा इसके अंदर। अब बस आपको चिकन को बॉयल करना है और उतना बॉयल करना है कि आपको चिकन टेंडर हो जाए ईजीली। तो इसको अभी हम ढक देंगे और ढक कर इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे। तो चिकन जो है एकदम गल गया अच्छा सा, टू ट्राई इजीली। और जो इसके अंदर पानी है उसको भी हम सारा जला देंगे और अब इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद हमें ये चिकन श्रेड करना है। और मैंने यहाँ पर लिए हैं बॉयल्ड एंड मैश पोटैटोज़, उसके अंदर हम हरा धनिया ऐड कर देंगे अच्छा खासा, मतलब काफ़ी सारा हरा धनिया ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। और स्पाइसेस ऐड करने से पहले मैं इसके अंदर मेयोनीज़ भी ऐड कर रही हूँ, मेयोनीज़ से इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप इसको ज़रूर ऐड करें इसके अंदर। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स, ज़ीरा पाउडर, ऑरेगानो, सॉल्ट और जो हमने श्रेड करा था चिकन जो अभी पकाया था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो देखिए हस्बैंड यहाँ पर, मुझे पता था आएंगे ज़रूर खाने, इसलिए मैंने उनके लिए एक पीस बचा कर रखा था कि वो ये ले लें और मेरा श्रेडेड चिकन ना लें। तो जो चिकन हमने श्रेड करके रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अब। और आप इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, तो चीज़ से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास अभी चीज़ स्लाइसेस थे तो वो मैंने ऐड नहीं करे, लेकिन आप इसके अंदर चीज़ ज़रूर ऐड करें, उससे बहुत अच्छा आता है। तो देखिए इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो भी आपको शेप देनी है आप वैसी शेप दे दीजिए इसको, और सारे अपने जो कटलेट्स हैं रेडी कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है, एक कटोरी में मैंने मैदा लिया है और एक में मैंने एग लिया है, पूरा बीट कर लिया उसको, और ब्रेड क्रम्स लिए। तो पहले हम कटलेट को इसके अंदर मैदे के अंदर डस्ट करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर एग के अंदर उसको अच्छे से डिप कर देंगे, पूरा कोट कर देंगे एग से, और फिर इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर डाल देंगे। बिल्कुल भी मैसी नहीं होगा आपका, देखिए इस तरीके से कीजिए। एक फॉक ले लीजिए, उसके थ्रू आप इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर डाल दीजिए। देखिए आपका हाथ भी गंदा नहीं होगा, और सूखे हाथ से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स ऊपर से डालते रहिए। तो इस तरह से हम अपने सारे कटलेट्स रेडी कर लेंगे। तो बस ये सारी चीज़ें हम अगर पहले से फ्रीज़ करके रख लें तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है और हमें इबादत करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है, नहीं तो किचन में बहुत सारा टाइम जाता है। और अगर बड़ी फैमिली है आपकी, बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली है, या फिर घर में छोटा बच्चा है, आप अकेले हैं, तब आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं तो ईजी हो जाती हैं चीज़ें आपके लिए। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि बस एक एक वीक का कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्क में करके रखते हैं ना तो उसकी फ्रेशनेस भी चली जाती है। और अगर हम एक वीक तक ये खा रहे हैं फिर नेक्स्ट वीक ये खाने का मन भी नहीं करेगा, बोर भी हो जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए करके रखिए, एक एक वीक का कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीक फिर बना लीजिए कुछ और चीज़ बना लीजिए। तो मैं जो जो भी नई रेसिपीज़ बनाऊँगी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो मेरे सारे कटलेट्स यहाँ पर रेडी हो गए हैं और इनको आप ऐसे ही पेट उठाकर सीधा फ्रीज़र के अंदर रख दीजिए, 2 घंटे के लिए तो रख ही दीजिए, ये पूरा सेट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको जिप लॉक पाउच के अंदर रख देंगे। तो उसको तो मैंने रख दिया फ्रीज़र के अंदर, और जब तक टाइम है मैं ये अनियंस अपनी स्लाइस कर लेती हूँ। आपको तो पता है स्लाइस अनियंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर हम कुछ भी नॉनवेज चीज़ बना रहे हैं। चिकन कोरमे के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सारी मेहनत उसमें बस यही है फ्राइड अनियंस की। तो मैं ये बारीक वाली अनियंस फ्राई कर लूँगी एक बार, तो जब भी मैं कोरमा या कुछ और चिकन की डिश बनाऊंगी मेरे लिए इजी हो जाएगा। और मोटी वाली जो फटाफट से अनियन कटती है वो तो उसी टाइम कट जाएगी, लेकिन बारीक प्याज काटने में थोड़ा टाइम लगता है हमें। तो मैंने यहाँ पे कट कर लिया और उसको फ्राई होने रख दिया है। तो ये छोटी छोटी सी प्रिपरेशंस हैं जो हमारी किचन लाइफ एकदम ईजी बनाती हैं। तो जो अनियंस एकदम क्रिस्पी हुई है हमारी, बस ये ठंडी हो गई और इनको भी मैं जिप लॉक पाउच के अंदर रख दूंगी और फ्रिज के अंदर रख दूंगी और फिर आराम से इसको यूज़ करूंगी जब भी मुझे यूज़ करना होगा। और मैं ये सारी प्रिपरेशंस आपको एक वीक के हिसाब से ही दिखा रही हूँ। और बस मैं और मेरे हस्बैंड है घर पर जो रोज़ा रखेंगे, और हमारा बच्चा तो अभी छोटा है, तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से चीज़ें तैयार करें। ये मैं सारी चीज़ें अपनी फैमिली के हिसाब से ही रेडी कर रही हूँ।
और ये मैंने टैमरिंड पल्प फ्रीज़ करके रखा था, पर मैं भूल गई थी इसे रखकर। अभी मैंने फ्रिज की डीप क्लीनिंग की तो मुझे पता चला कि ये तो रह गया जिप लॉक पाउच में रखने के लिए। तो हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, चाट बनाते हैं, चना चाट बनाते हैं और भी चाट बनाते हैं जिसमें हमें इमली के पल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है अगर हमें ऐसे क्यूब्स मिली रह जाए। नहीं तो इमली भिगोने में, फिर उसका पल्प निकालो, उसे छानो, उसमें बहुत सारा टाइम जाता है हमारा। और इसे भी मैं अब फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्रीज़ करते हैं, टमाटोज़ कुछ भी फ्रीज़ करते हैं, तो उनमें जो ट्रेज़ होती है उनमें उनकी स्मेल रह जाती है। तो उसके लिए पहले तो आप अच्छे से इसको डिश वॉश लिक्विड से या फिर जो भी आप जिससे बर्तन धोते हैं वो सोप वगैरह जो यूज़ करते हैं उससे वॉश कर लें अच्छे से। और फिर जो भी आप लेमन्स यूज़ करते हैं घर पर उसके ना जो छिलके होते हैं ना फेंकें, उससे काफ़ी अच्छी क्लीनिंग होती है, जो इसके अंदर जितनी भी स्मेल वगैरह होती है वो सारी निकल जाती है इससे, लेमन से छिलके से रब करने से ही सिर्फ। और इसके जगह आप वो भी कर सकते हैं, अपना जो कंटेनर है प्लास्टिक के जो भी कंटेनर है जिसमें जिंजर गार्लिक की स्मेल रह गई है, किसी भी चीज़ की स्मेल रह गई है, उसको एक गर्म पानी के अंदर बेकिंग सोडा और लेमन जूस डालकर डिप कर दीजिए हाफ एन आवर के लिए, तो बिल्कुल स्मेल चली जाती है। तो बस लेमन के स्क्वीज लेमन का छिलका रब करने के बाद हम इसको ऐसे वॉश कर ड्राई होने के लिए रख देंगे और इसके अंदर से स्मेल बिल्कुल चली जाएगी। तो यहाँ हमारे चिकन कटलेट्स भी एकदम रेडी हो गए हैं, सेट हो गए हैं पूरी तरीके से। इसको मैंने 2 आवर्स के लिए रख दिया था फ्रीज़र के अंदर। तो बस अब हम इसे ब्लॉक पाउच लेंगे और उसके अंदर हम ये सारे डाल देंगे और अब हम इसको कर देंगे फ्रीज़। और ये बहुत टेस्टी बनते हैं और बिल्कुल मत घबराइए जब आप इसको फ्राई करेंगे, गर्म ऑयल में फ्राई करिए और थोड़े थोड़े पीसेस डाल के फ्राई करिए, तो आपके टूटेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे, आप आराम से इसको फ्राई कर सकते हैं। ये मैं कर चुकी हूँ, एक बार टेस्ट कर चुकी हूँ, मैं पहले भी बना चुकी हूँ। ये ऑयल आपका मीडियम हॉट होना चाहिए और अगर आप सारे एक साथ डाल देंगे तो तेल ठंडा हो जाएगा, इसलिए थोड़े थोड़े कर फ्राई करिए। और मैं इस पर भी लिख दूंगी कि ये है हमारे चिकन कटलेट्स, और डेट भी डाल दूंगी तो इजी रहता है हमें ढूंढने में फ्रीज़र में से कि क्या चीज़ कहाँ पर रखी है। और अगर मैं आपको थोड़ा डिफरेंट साउंड कर रही हूँ तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर द चेंज इन माई वॉइस, थोड़ा मेरा गला ख़राब है। तो वो रेडी हो गया है, उसको कर दिया है फ्रीज़। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ नेक्स्ट रेसिपी, जो है वेजी स्ट्रिप्स। बहुत ज़्यादा यमी बनती है और बच्चों की तो ये फेवरेट है। वेजी स्ट्रिप्स के लिए मैंने यहाँ पे पोटैटोज़ लिए हैं और उन्हें बॉयल एंड मैश कर लिया। और यहाँ पे मैंने कॉर्न एंड पीस लिए हैं, इनको हम डायरेक्टली नहीं डालेंगे, इनको मैंने वॉश करके पहले तो इसका सारा पानी स्ट्रेन कर लिया है। और फिर हम ना मिक्सी में हल्का सा ग्राइंड कर देंगे, बस एक बार मिक्सी चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको ग्राइंड नहीं करेंगे ना तो फ्राई करते टाइम ये पॉप कर सकते हैं और फिर खतरा रहता है। तो इसलिए इसको हल्का सा ग्राइंड कर लीजिए। देखिए इतना दरदरा सा ग्राइंड करना है, बस मैंने एक बार ही मिक्सी का बटन पुश करा था। तो अभी मैंने यहाँ लिए एक कढ़ाई, उसमें डाला है ऑयल और उसमें डाल दूंगी मैं गार्लिक, गार्लिक क्रश किया हुआ है मैंने, इसे हल्का सौते कर लेंगे। और रमज़ान के प्रिपरेशंस की मैंने पार्ट 1 वीडियो भी बनाई है, उसमें बहुत यूज़फुल टिप्स हैं, अगर आपने वो मिस कर दिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने पीज़ एंड कॉर्न ऐड कर दिए और देखिए कैरेट्स मैंने छोटे छोटे से स्लाइस करे हैं और कैप्सिकम भी, आप चाहो तो कैरेट कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद जो हमारे बॉयल एंड मैश्ड पोटैटोज हैं वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑरेगानो और हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स आप हिसाब से ऐड कर लीजिए अगर आपके घर में बच्चे, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, बच्चों के हिसाब से ऐड कर लीजिए। और सॉल्ट ऐड कर देंगे इसके अंदर और बस ये तीनों चीज़ें ऐड कर हम इसको अच्छे से मिक्स दे देंगे। और हरा धनिया भी हम इसके अंदर अभी ऐड कर देंगे और इसके अंदर हम वो ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर लेंगे, उसको मैंने कॉर्नफ्लावर को 2 टीस्पून पानी में मिक्स करा है और उसको हम पानी के अंदर मिक्स कर इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने से इसके अंदर बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाती है, आपके ये जो स्ट्रिप्स हैं बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी एकदम। ये रेडी है, इसको ठंडा होने देते हैं। जब तक ठंडा हो रहा है मैं मिरर आपको देख लेती हूँ थोड़ी देर। Thank you.
आलू मिक्स भी हमारा ठंडा हो गया। अब आपको लेना है एक बटर पेपर और उसके ऊपर जो हमारा ठंडा मिक्सचर हुआ हुआ है इसको हम स्प्रेड कर देंगे अच्छे से, और एक स्पून की हेल्प से हम इसको थोड़ा स्मूथ कर देंगे। साइड से भी थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे और फिर इसके ऊपर हम एक और दूसरा बटर पेपर रखेंगे और फिर इसको स्मूथ कर देंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रखना है हमें ये मिक्सचर ऐसे। और अगर साइड्स इसकी सेट नहीं हुई ऐसे तो आप ऐसे साइड से बटर पेपर फोल्ड कर इसको, इसकी जो साइड्स है वो भी स्मूथ कर सकते हैं। ईजिली हो जाता है, आराम से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी करने में। तो इस तरह से आप कर लीजिए और फिर इसके ऊपर एक और बटर पेपर रख देंगे हम, और फिर एक और बटर पेपर रखकर इसको हम रख देंगे फ्रिज के अंदर 4-5 घंटे के लिए। ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाना चाहिए, पूरा सेट हो जाना चाहिए। तो ये तो सेट हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बाहर होकर आते हैं, मेरा आपको एक राउंड घुमा लाते हैं बाहर का। मीरा बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी हमें, और स्ट्रॉलर से उतर कर पानी में जाना चाह रही थी, और उसे पानी में भेज नहीं सकते क्योंकि आपको पता है कितना ठंडा होगा। उतार दो। हम जल्दी वापस घर आ गए थे क्योंकि मीराब ने वहाँ पर बहुत परेशान किया, वो लेट गई वहाँ पे ज़मीन पे कि उसको पानी के अंदर जाना है। तो इसको तो हो गए हैं 4-5 आवर्स फ्रीज़र के अंदर रख दिया था मैंने, ये पूरा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। ये देखिए कितने अच्छे से सेट हुआ है कि मैं इसको ऐसे ही उठाकर, जो है ये स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी शेप है इसको उठाकर मैं ऐसे ही रख दूँगी। और अगर थोड़ा बहुत टूटता है तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी हम यूज़ कर लेंगे। आप जिस तरह से मैं करूँगी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बस अब इसको ऐसे स्ट्रिप्स में कट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पतला भी मत करिए, बहुत ज़्यादा मोटा भी मत करिए, एक मीडियम साइज़ रखकर इसको हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 1 टीस्पून लिया है कॉर्नफ्लावर, और उसको पानी में डालकर उसकी एक पतली सी स्लरी बनाई है। स्लरी आप ज़्यादा थिक मत रखना नहीं तो वो च्यूई हो जाता है। और ब्रेड क्रम्स लिए हैं, बस अब एक स्ट्रिप उठाएंगे, उसको पहले मैदे वाले इसके अंदर स्लरी के अंदर डालेंगे और उसके अंदर अच्छे से डिप कर हम इसको डाल देंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर, और ब्रेड क्रम्स के अंदर भी अच्छे से डिप कर हम इसको रख देंगे एक ट्रे के अंदर। मैंने यहाँ पे सारी वेजी स्ट्रिप्स रेडी कर ली और इसको अब हम एक प्लेट के अंदर रख देंगे, या फिर जो भी आप ट्रे के अंदर रखना चाहते हो उसके अंदर रख दें, और फिर हम इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र में रखेंगे जो कि सेट हो जाए। वी कैन कीप इट फॉर एन आवर, एक घंटे के अंदर ये पूरा सेट हो जाएगा, और फिर हम इसको निकाल कर डाल देंगे जिप लॉक पाउच के अंदर। ये देखिए एक घंटे में पूरा सेट हो गया, और बस अब हम एक एक स्ट्रिप उठाकर जिप लॉक पाउच के अंदर डाल देंगे और इसको रख देंगे फ्रीज़र के अंदर। और जब भी आप बनाएं आप मीडियम हॉट ऑयल में इसको फ्राई करें, और पूरे एक साथ मत डालें, थोड़े थोड़े करके डालें, तो फिर तेल ठंडा हो जाता है और ये बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे और बहुत अच्छे से बनेंगे, एकदम क्रिस्पी। और आप इनको अपने इन्जॉय करें रमज़ान में। और मैं एक बार आपसे फिर बोलूँगी कि एक साथ बहुत सारे पूरे महीने का बल्क में बना के नहीं रखें, क्योंकि उसकी फ्रेशनेस जाती है और फ्रेश चीज़ की तो बात ही अलग होती है। पर हम अपने काम इजी करने के लिए पहले से थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं, तो एक एक हफ्ते का बना के रखें, एक हफ्ते बाद थोड़ा सा टाइम लगा के फिर बना लें। एंड आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। बाय।